हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री सास किचन। आज हम बनाने वाले हैं सहजन के पत्ते के पराठे, जो टेस्टी तो है ही, साथ ही बहुत हेल्दी भी है। हम इस तरह से पत्तों को तोड़ लेंगे। अब हम पत्तों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, बेसन, इसके अंदर हम डालेंगे सहजन के पत्ते, बारीक कटा हुआ प्याज, काला जीरा, जीरा, अजवाइन और हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। आटे को अच्छे से गूंथ कर मुलायम कर लेंगे। अब हम आटा के ऊपर थोड़ा तेल लगा लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसके पराठे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी लोइयां बना लेंगे। इसे हम थोड़ा सूखा आटा लगाकर बेलेंगे ताकि यह चकले से चिपके नहीं। आप चाहे तो तेल लगाकर भी बेल सकते हैं। तवा गर्म हो, हमने एक तवा लिया है, तवा गर्म हो गया। अब हम इसमें पराठा डालेंगे। इसमें दोनों तरफ तेल लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह करके हम सारे पराठों को सेक लेंगे। इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। जब तक पराठे बनते हैं, तब तक हम सहजन के पत्ते के फायदे जान लेते हैं। सहजन के पत्ते बहुत हेल्दी होते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कुछ लोग इसे ड्रम स्टिक, कुछ लोग मोरिंगा और कुछ लोग मूंगा भी कहते हैं। सहजन के पत्ते के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और आप सभी तो जानते ही हैं कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सहजन के पत्ते के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है
हील करना है, बॉडी ने आपको क्विकली हील करता है अगर आप सहजन खाते हैं तो। इसका जो ब्लड सहजन के पत्ते, ये हार्ट ब्लॉकेज में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ऑल इन वन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। तो इसके साथ ही हमारे सारे पराठे बनके रेडी हो गए हैं, तो हम इसे सर्व कर लेंगे। अब इसे हम रेड चटनी और मीठे अचार के साथ सर्व करेंगे। पराठे बहुत अच्छे दिख रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।